वो कुली नंबर वन वाला, ये देखो मैं ये बता रहा था आपको। देखो फाइनली अब अपने दम पर कहीं पे एक मैंने प्लान बनाया और उस प्लान को जाकर के कहीं आगे सक्सेस करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल एंड तक देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेट्स सी कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं ना परेशान हो गया था यार घर पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा, कहीं मैं लास्ट अपने बर्थडे के बाद से ना मैं कहीं घूमने गया ही नहीं। गुड मॉर्निंग, 7:38 हो रही है। हमने प्लानिंग करी जाने की लेकिन वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि हमें नींद आ गई, हम सो गए दोनों को दोनों। अभी जस्ट रजत ने चाय वगैरह बनाई है, उठेंगे चाय वगैरह पियेंगे। तो रजत अब घर निकल रहा है तो वो गांव निकल जाएगा और मैं जा रहा हूँ अपने फ्लैट पे, यानी कि अपने रूम पे, नोएडा दिल्ली से। अब तो उठता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ, फ्रेश वगैरह होने के बाद निकलता हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया काफ़ी। ये टाइम हो गया ना राइट 8:00, करेक्ट 8, क्योंकि 7:51 की ट्रेन है और अभी 8:00, यानी कि 9 मिनट ऑलरेडी लेट है। लेकिन ट्रेन भी तो लेट होती है भाई, ट्रेन भी तो टाइम पे नहीं आती। तो ये मैं यहाँ पे हूँ सादरा जंक्शन, ये है आपका दिल्ली में पड़ता है सादरा जंक्शन, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है ये। अब मैं रजत का वेट कर रहा हूँ उसके कॉल के कन्फर्मेशन का, अगर उसको मिल गई होगी ट्रेन तो मैं निकल जाऊंगा। अभी मैं ना जो आप लोगों को बता रहा था सेम वही सीन हुआ, बंदा आ गया हमारे साथ तो अभी 9 मिनट लेट था, तो 9 मिनट इसको पता, अभी मैं यही बात कर रहा था कि तूने 9 मिनट पहुंचा हूँ, जा रही है ट्रेन। तो मतलब ये जो पब्लिक आई है उसी ट्रेन की पब्लिक है सारी, ये दूसरी ट्रेन दूसरी। तो मेरे भाई को मैंने इसको बोला था कि भाई तुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, और मेरी आज सच बात हो गई, ट्रेन मिली तो नहीं मिली इसको। अब फाइनली अब हम आपको दिखाएंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं करने जा रहे हैं। तो नाउ वी विल एग्जीक्यूट आवर प्लान, जो भी होगा। अब तो एग्री है ना, मैंने तुझे छोड़ दिया था भाई, ठीक है। अरे 2 मिनट लेट हो गए, ट्रेन खड़ी थी। कितने देर ट्रेन जा चुकी थी। लोन भाई की ट्रेन तो कैंसिल हो गई। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप, कुछ बताना चाहेंगे? नॉट गुड, मैंने सोचा था मैं घर चला जाऊंगा थोड़ा। भाई जो सोचते हैं वो तो कभी होता ही नहीं ना, हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है लाइफ में, विच इज़ सुबह से स्टार्ट हो चुकी है हमारे साथ। अब देखते हैं कि दिन कैसे गुजरता है, कैसे कैसे चीज़ें होती है, वो आपको जब पता लगेगा जब आप हमारे साथ में रहेंगे, है ना। लेट्स गो। बाबा ने दिखा दिया मौसम, बाबा अरे बाबा ये बटन लगा लो यार, इसको लगा लो, पहले बटन लगा लो। शरीफा इससे बात करनी चाहिए आपसे, है ना, गुंडागर्दी नहीं चलेगी इधर। रेडी रेडी फॉर गोइंग टू समवेयर, अब पता नहीं कहाँ पर, और यहाँ पर हमारे भाई साहब चलें या फिर से एज यूजुअल लेट कराने हैं तुम्हें फिर से ट्रेन। रजत अगर अब की बार ये वाली ट्रेन निकली ना तो फिर देख लेना भाई, फिर ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगा मामला। तो ठीक है भाई, तो इसकी तो ट्रेन निकल गई थी, तो हमने कहा अब इसकी ट्रेन निकल गई है तो मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो ये जाता रहता है घर, फिरोजाबाद जाता रहता है ट्रेन से, तो मैं तो बाय बस या तो बाय मटको। तभी मेरा ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है, ये हमारा बाप है भाई फोन वोन चार्ज करने के लिए। तो ये पावर बैंक चार्ज होने के बाद हम भी चार्ज हो गए, हमने भी चाय वगैरह पी ली है। टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टाइम हो रहा है 10:45 यार, नहीं 10:45 ही हो रही है ना रजत। अभी हमारे पास 40 से 50 मिनट है रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। चले भैया हम तो जूता पहन के हो गए रेडी, चार्जर याद से डालना है, पावर बैंक भी ले लो, पावर बैंक दे दे मुझे, पावर बैंक का आ जाएगा इसमें, पावर बैंक आ गया सारी चीज़ें। वो वाला दरवाज़ा भी बंद, अभी वॉशरूम में कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। एंड हेयर आई एम, मैं कैसा दिख रहा हूँ देख लूँ एक बार अपने आप को, ऐसा दिख रहा हूँ। अभी लास्ट में जो मॉल वाला ब्लॉक देखा वहाँ पे वो दीदी ने भसड़ फैला दी, तो वहाँ से हम निकल के आ गए। देन हमें आगे जा करके खाना खाना पड़ा, उसको रात को हमने प्लानिंग कर दी भाई के साथ में बैठ करके, तो भाई ने भी प्लान को आगे जाके बढ़ा दिया। तो प्लान बना कैसे, इसकी ट्रेन नहीं निकलती ना तो ये प्लान नहीं बनता। कैसे लगी ये अपने आप बंद कर दे, चल लेट हो रहे हैं काफ़ी। तो यहाँ पर हमारा जाने का हो गया समय, हेलमेट वगैरह हमने ले लिया है,
तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से टिकट लेके डायरेक्ट गाजियाबाद जाके वहाँ पार्किंग में लगा दूंगा बाइक, तो वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। और लेट्स सी, अगर टिकट मिल गई तो दैट्स गुड, नहीं मिली तो फिर डायरेक्ट गाजियाबाद, गाजियाबाद से टिकट लेंगे, गाजियाबाद से ट्रेन में बैठेंगे। अभी सादरा पे हम खड़े हुए हैं दिल्ली में, तो ये लाइफ का नया एक्सपीरियंस मेरे साथ है भाई। मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था किस तरीके से एक प्लान बनेगा, इसको जाके हम आगे एक्सिक्यूट करेंगे। एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर गुड कि हाँ सब कुछ अच्छा हो। एंड मटकों को मैं खड़ा कर दूंगा पार्किंग में, तो मटको मेरी मुझसे दूर रहेगी बेचारी, कोई बात नहीं, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ। तो यहाँ की मैं चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन सादरा का, काफ़ी क्लीन है, ऐसा नहीं है यार कि गंदा संदा हो, दिल्ली का एरिया है भाई। और ये इधर ये मेट्रो स्टेशन है, ये देखो इधर रेलवे स्टेशन और इधर मेट्रो स्टेशन है, ये इधर ये पूरा का पूरा इधर मेट्रो स्टेशन पड़ता नहीं है। तो भाई यहाँ से हमें टिकट नहीं मिली अभी, तो अब हम गाजियाबाद ही चले निजामुद्दीन। तुम बताओ कहाँ पे, गाजियाबाद ही चलते हैं ना, गाजियाबाद चलते हैं। तो अब गाजियाबाद से जाकर के हम टिकट ले लेंगे, वहीं से वहीं पे पार्क कर देंगे अपनी मटकों को, वहीं पे पार्किंग में लगा देंगे। तो अभी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खा लें, तो यहाँ पर रजत ने बोला कि कड़ी चावल अच्छे मिलते हैं, भाई कड़ी चावल खा लो, तो अभी कड़ी चावल खा लेते, तभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट का, तो खाते हैं फिर चलते हैं आगे। अरे वाह, सादरा के मशहूर कड़ी चावल। रेलवे स्टेशन, तो अभी रजत को भेजा है मैंने टिकट चेक करने के लिए, रजत जाके टिकट चेक करेगा, उसके बाद वो मुझे बता देगा। देन मैं पार्किंग में अपनी बाइक लगाऊंगा, उससे पहले नहीं लगाऊंगा, बिकॉज अब टिकट मिली ना मिली क्या पता, वरना पार्किंग के पैसे चले जाएंगे। तो अभी ये है चेकिंग यहाँ की, ला मुझे दे दे जा चेक करके। ये है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। तो अभी रजत पता करके आ गया टिकट के बारे में, टिकट तो हमें मिल जाएगा आराम से, आधे घंटा अभी लेट है ट्रेन, आ गया भाई चले। अब हमें एटीएम ढूंढना है, एटीएम देख रहे हैं कहाँ है। तो यहाँ भाई अपना ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट, एटीएम भी मिल गया, पैसे भी निकाल लिए, क्या क्या प्लानिंग हो गई, पैसे भी निकाल लिए हमने, पेट पूजा भी कर ली, वो कड़ी चावल खाए एकदम मस्त, टिकट का भी कंफर्मेशन ले लिया कि टिकट भी मिल जाएगी, ट्रेन भी अभी 20 मिनट आधे घंटे लेट है तो वो भी मिल जाएगी। तो अब चलते हैं डेस्टिनेशन पे। तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, राइट। अब लगाते थे पार्किंग भाई, चलो लगा दे भाई। लो भैया, थैंक यू भैया, हेलमेट भी लगाओगे? लगा दो मालिक। तो यहाँ पर हमने अपनी बाइक कर दी, पैसे तो नहीं देने अभी, पैसे देने अभी पर्ची वगैरह, तो इसको लेते हैं पर्ची वगैरह रखते हैं। तो अब जाने का टाइम हो गया है फाइनली रेलवे। अब बैठेंगे ट्रेन में, ट्रेन से करेंगे सफ़र, लेट्स गो, कैसा सफ़र होगा कैसा नहीं। यहाँ पे जो पार्किंग का पैसा लगाया ना उन्होंने 24 घंटे के 20 रुपये बताए, 24 घंटे के 20 रुपये, 10 रुपये का हेलमेट चार्ज। मैंने कहा ठीक है नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर। अब चलते हैं ट्रेन पकड़ते हैं भैया, झुक 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 झुक। कहाँ पे खड़े हैं बताए ना, यह है जिला गाजियाबाद, यह है जिला गाजियाबाद। तो अब रजत जा रहा है यहाँ से टिकट लेने के लिए, ये रहा टिकट काउंटर फाइनली। अब अपने दम पर कहीं पे एक मैंने प्लान बनाया और उस प्लान को जाकर के कहीं आगे सक्सेस करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल एंड तक देखना, आपसे रिक्वेस्ट है कि लेट्स सी कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं ना परेशान हो गया था यार घर पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा, कहीं मैं लास्ट अपने बर्थडे के बाद से ना मैं कहीं घूमने गया ही नहीं,
लास्ट बर्थडे पर ऋषिकेश गया था मैं, वहाँ पे हमने राफ्टिंग वगैरह की थी रजत के साथ, सॉरी एलेन, अजय, उमा शंकर, ये सारे दोस्त थे हमारे, और मैंक भी था। तो मैंने कहा अब चलो फिर से कहीं ना कहीं जा कर के थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस ला के आते हैं, थोड़ा सा पीस लेके आते हैं यार। 9 घंटे के काम धंधे से परेशान हो गया यार काम करते करते। देन आई थॉट कि चल अर्पित घूम के आ कहीं पे, तो मैंने कहा चलो यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि ट्रेन से भी फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है, कि किस तरीके से ट्रेन से जाते हैं। हालांकि मैं पहले गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन से गया हूँ, जब छोटा था बचपन में, इतना छोटा था जैसे वो बच्ची खड़ी है ना, इतना छोटा था तब मैंने काफ़ी ट्रैवल किया था ट्रेन से। लेकिन नाउ अब फर्स्ट टाइम जब से बड़ा हुआ समझदार हुआ हूँ, फर्स्ट ट्रैवल है ये मेरा ट्रेन में, लेट्स सी कैसा होगा। लाइन लगी हुई है ट्रेन भाई साहब टिकट के लिए, देखो यहीं के रजत लगा होगा, ये लगाया था। यहाँ की आपको एक छोटी सी खूबसूरती दिखाता हूँ, एकदम क्या मस्त लग रही है, ये सामने है मेरे, देखो वाह कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम मस्त है भाई, ओए होए एकदम कितना बढ़िया लग रहा है, छोटा इंजन काफी समय पहले बनाया गया था, काफी एकदम छोटा इंजन है, अच्छा लग रहा है आपको। ये देख लो फिर से, ये छोटा सा बंदर, भाग गया। टिकट फाइनल यार, लाइन लग रही, लाइन में जिसका मन कर रहा वो आगे जा रहा। मैं घुस गया, मैं लेकर के आ गया टिकट, मैंने कहा होगी राम की देखी जाएगी। तो अब मेरी जो ट्रेन आएगी वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, है ना। हाँ तो अब 1 पर चलना है हमें, यहाँ से चलते हैं। ये लगे हुए हैं एलिवेटर एस्केलेटर, मुझे नहीं पता क्या है। और हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1, आगे से मुझे दिख रहा है बोरा सामने, वो दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 इधर है इस तरफ। यहाँ पर ये भीड़ लग रही है भाई, नीचे काफ़ी रस है, ऐसा नहीं है, हालांकि भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन सावन खत्म हो गया फिर भी इतनी भीड़ है अभी। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 इधर। ओ भाई फोर रोड बचा गया, अरे छीट छाड़ ना ले जाएं। देखो भाई सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सारे के सारे लोग। ये एक्सपीरियंस